पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में इमरान खान का पीएम बनना लगभग तय हो गया है। पाक आवाम को अपना वजीर आजम मिल गया है और तहरीक इंसाफ पार्टी सूबे में सरकार बनाने की दहलीज पर खड़ी है। लेकिन क्या इमरान खान भारत पाक के रिश्तों पर जमी बर्फ को पिघाल पाने में कामयाब हो पाएंगे, देखिए ये रिपोर्ट। पाकिस्तान की आवाम ने अपना कप्तान चुन लिया है, भले आधिकारिक तौर पर घोषणा नहीं हुई हो, लेकिन वोटों में मिली बढ़त से ये तय हो गया है कि क्रिकेटर से राजनेता बने इमरान खान अब पाकिस्तान के तख्त पर बैठेंगे और एक नया पाकिस्तान बनाएंगे, जिसका वादा वो आवाम से कर चुके हैं। लेकिन क्या इससे भारत पाक के रिश्तों में सुधार होगा, जिसको लेकर एक्सपर्ट्स ने रिश्ते और बिगड़ने की आशंका जताई है। अपने चुनाव प्रचार में इमरान खान कई बार भारत पर हमला कर चुके हैं, यहाँ तक कि नवाज शरीफ को भारत का एजेंट करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी के प्रति नरम रवैया अपना कर नवाज शरीफ अपने कारोबारी हितों को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे थे, तो वहीं मोदी सरकार पर दोनों देशों के खराब रिश्तों का ठीकरा फोड़ा। इतना ही नहीं, पार्टी के मैनिफेस्टो में कश्मीर और भारत नीति को लेकर भी कुछ खास नहीं था। तो वहीं अगर इमरान खान के ताल्लुक की बात करें तो कट्टरपंथियों से इमरान खान की नजदीकियां ज्यादा हैं। कहा तो ये भी जाता है कि नवाज शरीफ को जेल और इमरान खान को तख्त पर बिठाने के पीछे सिर्फ ISI का हाथ है। ऐसा माना जा रहा है कि भविष्य में इमरान खान ISI के इशारों पर ही काम करेंगे, जिसका मतलब साफ है कि भारत पाक के रिश्तों में खुदी खाई और गहरी होती जाएगी। आपको क्या लगता है, इमरान खान की सरकार में दोनों देशों के रिश्ते मजबूत होंगे या फिर कमजोर पड़ जाएंगे?